अब आइए 9 सेकंड न्यूज में बाढ़ बारिश के आफतकाल की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जोशीमठ में सड़क बंद होने की वजह से सीमांत इलाकों में आवाजाही हुई ठप। आम लोगों के साथ सेना की भी बड़ी मुश्किलें। आईटीबीपी और सेना के कैंप तक जरूरी सामान पहुंचाने वाली सड़क पर बन रहा है। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण। आपदा प्रबंधन को लेकर किए गए इंतजामों के बारे में ली जानकारी। उत्तराखंड के कई जिले बाढ़ और बारिश से प्रभावित है। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे पर गिरी चट्टान। पाताल गंगा के पास पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा। यात्रियों को कराई जा रही सुरक्षा के बीच आवाजाही। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के लक्सर इलाके में आई बाढ़। सोनाली नदी का तटबंध टूटने से इलाके के कई गांव में बाढ़ के बने हालात। सड़कों पर बह रहा है कई फीट पानी। हरिद्वार के लक्सर में बाढ़ के बाद सड़क पर बहने लगा पानी। मुख्य मार्ग पर बह रहा 3 से 4 फीट तक पानी। पानी के बीच से होकर निकलने पर मजबूर हुए लोग। हरिद्वार के मैदानी इलाकों में बारिश और बाढ़ का सितम। पानी के बीच से आवाजाही कर रहे हैं लोग। अपने वाहनों को खींचकर निकालते हुए लोग दिखाई दिए। उत्तराखंड की धार्मिक नगरी हरिद्वार के लक्सर में सड़कों पर बाढ़ का पानी। शहर के मुख्य सड़क पर भरा कई फीट पानी। पानी के बीच से होकर गुजर रहे हैं वाहन। उत्तराखंड के पौड़ी में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गिरा पहाड़ी से मलबा। लैंडस्लाइड की वजह से कई जगह पर बाधित है हाईवे। चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्री परेशान है। 9 सेकंड न्यूज में आप देख लेते हैं अलग अलग राज्यों में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात की खबरें। पंजाब के पटियाला में बाढ़ की वजह से हुई एक शख्स की मौत। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजी। शहर की ज्यादातर कॉलोनियों में अभी भी भरा हुआ है पानी। पंजाब के संगरूर में कई गांव में घुसा घग्गर नदी का पानी। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने शुरू किया ऑपरेशन। लोगों को किया जा रहा है सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बाढ़ की वजह से अंबाला जिले में सबसे अधिक नुकसान। मदद पहुंचाने का काम जारी। अभी तक 10 लोगों की हुई है मौत। अंबाला में बाढ़ की वजह से रेल यातायात हुआ प्रभावित। ट्रैक पर पानी भरने से 20 से ज्यादा ट्रेनें रद्द। अंबाला सहारनपुर रेल मार्ग पर रेल पटरी को पहुंचा नुकसान। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। वेस्टर्न यूपी के कुछ हिस्सों में बारिश से अलर्ट जारी है और आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। आज सहारनपुर के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर नुकसान की लेंगे जानकारी। सीएम के दौरे से बाढ़ प्रभावितों को जगी मदद की आस। यूपी के मेरठ में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से शहर में जगह जगह जल भराव। पुराना शहर हुआ जलमग्न। बच्चा पार्क चौराहे के पास सड़क पर नजर आने लगा है तालाब जैसा नजारा। यूपी की बस्ती में तेजी से बढ़ रहा है सरयू नदी का जलस्तर। नदी किनारे के इलाके में जारी हुआ अलर्ट। लोगों को किया जा रहा है सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में खेतों में भरा बाढ़ का पानी। आम की फसल को पहुंचा काफी नुकसान। पेड़ लगे आम होने खराब। पेड़ पर जो आम है वो खराब हो रहे हैं। समय से मंडी नहीं पहुंच पा रहा है आम। असम की जोरदार बारिश से चुरांग में बाढ़ जैसे हालात। सैकड़ों गांव में घुसा नगलभंगा और मकरा नदी का पानी। घरों में पानी घुसने से हजारों लोगों की बढ़ी परेशानी। एमपी के उज्जैन में लगातार बढ़ रहा क्षिप्रा नदी का जलस्तर। जिला प्रशासन की तरफ से तैनात किए गए हैं गार्ड। लोगों को किया जा रहा है आगाह। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का रौद्र रूप। कटान की वजह से एक स्कूल नदी में समाया। स्कूल के पानी में गिरने का वीडियो वायरल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।